सो हेलो, वेलकम वंस अगेन। दिस इज अभिषेक पांडे फ्रॉम अभियांत्रिकी ई क्लासेस। अभियांत्रिकी ने पिछले कुछ दिनों के साथ स्टार्ट किया है फ्री क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। किसी से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है और हम दे रहे हैं प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त में हर एक बच्चे को जो बेसिकली चाहता है कंप्यूटर पढ़ना। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आज से 5वां दिन है। आप लोग ना मैसेजेस कर रहे हो कि सर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। अगर नेटवर्क कनेक्शन विजिबल नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास सेंड किए जा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड सेशन को अच्छी तरीके से देखो, वहां से पढ़ने की कोशिश करो। एंड हैव यू एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो फिर आप सपोर्ट टीम से कॉल कर लो, सपोर्ट टीम को बताओ कि सर हमें दिक्कत है, और इस तरीके से वो सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। बाकी सपोर्ट टीम के सारे नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, हर जगह होगी विजिबल, पीछे से वीडियोज आप देखिए बेसिकली। सो नाउ आज हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा और क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या क्या है। एजेंडा अगर हमें पता चल गया तो हम बेसिकली सारी चीजें समझ जाएंगे। पीछे के 3-4 वीडियोस में हमने जाना है कि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें हमने कल के भी वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखोगे ना तो ये 25 से 30 मिनट का वीडियो बन जाता है, बेसिकली इतना बनेगा, राइट। और आप आसानी से देखो इसको, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। आज की एजेंडा के बारे में शुरू करते हैं। आज का भी स्लाइड काफी लंबा है, 45 दिन का समय है, एक अच्छा खासा समय माना जाता है। हर दिन हम 40 to 45 मिनट डेली मिलते हैं, तो एक अच्छा समय है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, आप पढ़ लोगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो सपोर्ट टीम है आपके पास। आज की बेसिकली टूडेज एजेंडा जानते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहली चीजें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कल हमने ये इनपुट यूनिट क्लियर किया था। फिर हम बात करेंगे कीबोर्ड्स की, फिर माउस की, फिर आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, उसमें मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आप ट्रिपल सी की नजर से देखोगे तब, आप अगर SSC का एग्जाम दे रहे हो वहां भी कंप्यूटर सेशन आते हैं, वहां भी थियरी पोर्शन आते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो वहां तो 9th, 10th, 11th, 12th पूरा का पूरा सिलेबस ही है कंप्यूटर में। हर एक क्लास में ये सारी चीजें विजिबल होती हैं, हर एक क्लास में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सारी चीजें आती है। तो बेसिकली हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जो आगे का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से क्या क्या करना है। इनपुट डिवाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे, इनपुट डिवाइसेस से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बीच बीच में एडमिट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं बेसिकली कि सर ये इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, सर ये इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, राइट। यहाँ इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कल हमने इनपुट यूनिट पढ़ा था। एक ऐसा पोर्शन कंप्यूटर में था जहां से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते थे। बेसिकली डेटा क्या होता है, आप फोटो को फोटो कहते हो, आप इमेज को इमेज कहते हो, आप वीडियो को वीडियो कहते हो, मोबाइल के अंदर जितनी सारी चीजें, आप कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर कहते हो, बट मोबाइल स्पेशली किस नाम से जानता है उसको, वो जानता है सिर्फ और सिर्फ डेटा से। कंप्यूटर किस नाम से उसको जानता है, तो वो जानता है सिर्फ और सिर्फ डेटा से। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है। वो सारी चीजें जो आपने मोबाइल में रखी है, वो सबका सब टेक्निकली भाषा में कहा जाए, कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहा जाता है अगर, तो वो सारी की सारी चीजें डेटा कहलाती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस किस काम में आता है सर जी, इनपुट डिवाइसेस किस काम में आता है, तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या, कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरा इनपुट डिवाइस क्या है, ये हेडफोन है मेरा इनपुट डिवाइस। वॉइस हेडफोन से माध्यम से आपके हेडफोन से होते हुए आपके कानों तक जा रही है, वहां आपका जो हेडफोन है वो आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है, बाहर निकल रहा है वहां से डेटा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस किसे हम कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस किसे हम कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस रेफर टू द डेटा और इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी फीड इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। बेसिकली क्या कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर मशीन के अंदर इनपुट डिवाइसेस का बेसिकली काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना, किस के पास तक, सीपीयू के पास तक। और वो अब किसके किससे थ्रू होता है, वो होता है कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, बार कोड रीडर के थ्रू, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल। माइक्रोफोन मींस व्हाट, माइक, माइक जो हम यूज करते हैं,
राइट, कि आपने कहीं देखा होगा शो वगैरह होस्ट होता है तो वहां पे लोग माइक यूज करते हैं। माइक क्या करता है, जो होस्ट करता है उसकी आवाज लेता है, वो इनपुट हो गया और फिर स्पीकर के माध्यम से बाहर भेजता है, वो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने का काम करती है, डेटा को फीड करने का काम करती है। अब कंप्यूटर के अंदर डेटा किससे फीड होता है भाई? कीबोर्ड से फीड कर सकते हो, माउस जो होता है माउस से फीड कर सकते हो आप, माइक्रोफोन से फीड कर सकते हो आप, राइट, माइक्रोफोन से आप फीड कर सकते हो, आप स्कैनर से फीड कर सकते हो, कैमरे से क्लिक करते हो जो फोटो, कैमरे से फीड कर सकते हो, वेब कैम लगा होता है, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे हमारी तो साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो वो सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है। अब बेसिकली हम बात करते हैं कुछ बेहतरीन इनपुट डिवाइसेस की जो बेसिकली हम यूज करते हैं। आई होप इनपुट डिवाइसेस आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक कंप्यूटर में होता ही होता है, हर एक कंप्यूटर और हर एक लैपटॉप के साथ होता ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड आपने देखा होगा, इसको हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड्स में जो नंबर होते हैं उसको समझो, एक होता है टाइपिंग कीज ए बी सी डी ई एफ जी एस से जेड तक, ये पूरी चीजें आपकी टाइपिंग कीज के अंदर आ जाती है, जहां हम हर एक चीज अल्फा 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 अल्फाबेटिक, ठीक है। दूसरा आता है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज सर किसे कहते हैं, आपने कंट्रोल बटन देखा होगा, अल्ट बटन देखा होगा, फिर शिफ्ट बटन देखा होगा, फिर कैप्स लॉक बटन देखा होगा, ये सब कंट्रोल कीज हो गया। फंक्शंस कीज की बात कर सकते हैं हम। फंक्शंस कीज क्या होते हैं, आप लैपटॉप में नीचे अभी सब दिखा रहा हूं, बड़ा सा एक फोटो है आगे। फिर हम नेविगेशन की के बारे में बात करेंगे कि नेविगेशन की किसे कहते हैं, और फिर हम न्यूमेरिक कीपैड के बारे में बात करेंगे कि न्यूमेरिक कीपैड किधर होता है। देखो बेसिकली कीबोर्ड सबके पास होता है, कोई नहीं जानता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड से लेके चल रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल किसी भी हद तक जाने के लिए नीचे चला जाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली आप समझो क्या कि कीबोर्ड में क्या क्या है, टाइपिंग कीज है, अल्फाबेटिकल सारे कीज ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब के सब टाइपिंग कीज कहलाते हैं, राइट। दूसरी चीज है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज मतलब क्या कि आप कंट्रोल अल्ट शिफ्ट कैप्स लॉक इस टाइप के जहां बटन आप देखते हैं वो सबका सब कंट्रोल कीज कहलाता है। फंक्शंस कीज क्या, F1, F2, F3, F4 ऊपर लिखा होता है कीबोर्ड के, आपके लैपटॉप में भी लिखा होगा और आपके अगर कंप्यूटर है तो सिर्फ वहां पे भी लिखा होगा, ठीक है। तो वो फंक्शंस कीज होते हैं। नेविगेशन कीज क्या होते हैं वो अभी दिखाता हूं, मैं बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। और न्यूमेरिक कीपैड क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 और 0 और प्लस माइनस इनटू ये सारा का जो सिंबल होता है वो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर आता है, ठीक है। चलो आगे बताता हूं सारे के सारे कीबोर्ड को दिखा के कि कौन सा क्या है, ठीक है, कौन सा कीपैड क्या है। या इट्स अ कीबोर्ड, ओके, इसको हम कीबोर्ड कहते हैं। अगर आप वीडियो में विजिबल हो हर एक चीज तो देख पा रहे हो, ये F1 है, राइट, मैं वो ले लूं जरा सा, F1 F2 F3 ये होता है फंक्शंस की, F1 F2, F3, F4, F5, F6, F7, F12 तक, ये पूरे के पूरे क्या है, फंक्शन की है। और नीचे भी यहाँ Fn का की होता है ये, तो ये नीचे वाला जो Fn की है और प्लस ऊपर से F1 टू F12 तक, ये सारे के सारे फंक्शंस की कहलाते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा टाइपिंग कीज क्या होता है, आप यहाँ से देखो QWERTYUIOP ASDEFGHIJKLMNOPQR और ये लेस देन ग्रेटर देन, ये सारा जितना सब है इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं टाइपिंग कीवर्ड्स, बैक स्पेस इंटर, ठीक है, ये सब क्या है, टाइपिंग कीवर्ड है, टाइप करते समय काम आता है, ढिंग धड़ाम ढिंग धड़ाम करते रहो तो इंटर करो स्पेस करो इंटर करो स्पेस करो, ये टाइपिंग कीवर्ड है, राइट। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की क्या होते हैं, नेविगेशन की इसके पहले कंट्रोल कीज की बात कर लेते हैं। कंट्रोल कीज क्या होते हैं, नीचे आप देख लो CTRL शिफ्ट कैप्स लॉक टैब और ये अल्ट इधर भी अल्ट, ये सब जो होते हैं वो कंट्रोल कीज कहे जाते हैं। अब बात करोगे सर न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, इधर देख लो ये इतने जितने हैं इधर, ये जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है इसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड मतलब क्या कि जहां पे हम सॉरी अल्फा न्यूमेरिक नॉट न्यूमेरिक कीपैड, अल्फा न्यूमेरिक एक अलग चीज है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है जहां अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीजें हों और यहां सिर्फ हम न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम इजिली यहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप अच्छा नेविगेशन की क्या होता है, ये इंसर्ट होम पेज अप डिलीट इन पेज डाउन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नेविगेशन की कह जाती हैं। तो होप आपको समझ में आ गया कीबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और वहां पे कितने तरीके की कीपैड पाई जाती हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और वहां आपको दिखाता हूँ माउस के बारे में। ये माउस होता है, माउस बेसिकली क्या होता है, माउस एक और आपका इनपुट डिवाइस होता है बेसिकली, जिस तरीके से सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस था उसी तरह माउस भी इनपुट डिवाइस होता है,
यहाँ आप देख सकते हो लैपटॉप का माउस उसी में इनबिल्ट होता है, लैपटॉप के माउस का फोटो हमने नहीं लगाया है। टाइप्स ऑफ माउस की बात करोगे तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, ये तीन तरीके के माउसेज होती है। हम जो होते हैं ऑप्टिकल माउस इस समय यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड में और नए जनरेशन में। माउस के बारे में अगर आपने समझ लिया तो अब हम नया टॉपिक बताते हैं आपको, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जहां पे हमें आउटपुट शो करता है, जहां पे हमें आउटपुट शो करता है। समझो एक एग्जांपल देता हूं कि आप मोबाइल से फोटो क्लिक कर रहे हो, फोटो जब क्लिक कर रहे हो तो क्या होता है, फोटो क्लिक करते समय वो इनपुट है, लेकिन फिर स्क्रीन पे स्लाइड कर करके देखते हो वो आउटपुट है, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, बेसिकली कंप्यूटर की जितनी भी आउटपुट होती है वो दो तरीके की आउटपुट होती है, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट क्या करता है, जैसे मोबाइल में अगर आपका कोई फोटो खींचा है तो वो सॉफ्ट है, उसको जब चाहो आप डिलीट कर सकते हो नेचर से, ठीक है। आपने कुछ टाइप किया है मोबाइल में व्हाट्सएप पे, वो सॉफ्ट है, राइट। अगर आपने किसी को कॉल किया है वो सॉफ्ट है, राइट। हार्ड आउटपुट क्या होता है, आपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया एक पन्ने का, पेज का, वो क्या हो गया आपका हार्ड आउटपुट हो गया, हार्ड आउटपुट वो हो गया। हार्ड आउटपुट क्या होता है, नेचर में आता है, उसका रूप चेंज होता है लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो हार्ड आउटपुट होता है, ठीक है। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो डिवाइसेस जहां पे कंप्यूटर में आउटपुट शो होता है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। बाकी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस होती है, वेबकैम, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, हेडफोन्स भी आउटपुट। मैं बोल रहा हूँ आपके कान में जो आवाज जा रही है वो आउटपुट के तौर पे जा रही है, मैं बोल रहा हूँ ये इनपुट के तौर पे ले रहा है, ठीक है। इतनी बात हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिकली जो अगला स्लाइड है वो बताता हूँ। अब आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है मॉनिटर, जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा रहता है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीन आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हम मॉनिटर की बात करेंगे। मॉनिटर क्या होता है, आप देख लो, ये भी एक मॉनिटर, ये भी एक मॉनिटर है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना मॉनिटर है, इसको हम कहते थे सीआरटी, सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, तो उसमें ट्यूब लगी होती थी पीछे और वो काफी बड़ा साइज का हो जाता था, ठीक है। जो आपके घर में पहले टीवी होगी, अभी भी कोई टीवी होगी पुरानी, तो वो बाद में क्या है, मॉनिटर में एलसीडी आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो एलईडी, एलसीडी और ये सीआरटी, आपको इतना समझ में आ गया। एलसीडी को ही टीएफटी कहा जाता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, पतला, ठीक है। अब उसके अलावा टच स्क्रीन मॉनिटर भी आता है, टच स्क्रीन करके चलाओ मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, अभी आपके इलाके में तो नहीं आया है टच स्क्रीन। और फिर विजुअल मॉनिटर भी आ गया है, उसकी हम बाद में करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको कि आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली होती क्या, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस अगर समझ में आ गया, इनपुट डिवाइसेस अगर आपको समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस की बेसिकली नई फैसिलिटीज को देखते हैं कि प्रिंटर्स क्या होते हैं। प्रिंटर क्या होता है, आपने देखा होगा, प्रिंटर बेसिकली वो चीजें होती हैं जिससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं। आप आधार कार्ड ले जाते हो, फोटो कॉपी कराते हो, वो प्रिंटर के माध्यम से होता होगा, ठीक है। आप अपने स्कूल में कोई फीस वगैरह फ्री फीस मिलता है, वो प्रिंटर से निकलता है, ठीक है। प्रिंटर भी टोटली दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके का होता है, डेसीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीविल प्रिंटर्स और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो थर्मल प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको इसकी डिटेलिंग चाहिए, हालांकि इसकी डिटेलिंग पूछी नहीं जाती, अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट टीम से कहिएगा, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको सेंड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरी चीज तो हमें प्रिंटर समझ में आ गया, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि तीसरी चीज क्या है, प्लूटर्स। प्लूटर्स इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। अब कहोगे सर ये प्लूटर किसमें काम आता है, समझ लो पहले प्लूटर क्या है। प्लूटर दो तरीके के होते हैं, फ्लैटेड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। आप देखे होंगे ना कि सिनेमा हॉल्स में जब मूवी लगती है तो वो बड़ा बड़ा पोस्टर चिपकाया जाता है, काफी बड़ा बड़ा, या आपके स्कूल का जो होर्डिंग होता है वो 10x10 मतलब 10x10 फीट का होता है, वो कैसे बनता होगा, वो तो छोटे प्रिंटर में आएगा नहीं, जो अभी आपने पढ़ा है इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो उसके लिए होता है प्लूटर्स। प्लूटर्स से क्या होता है, काफी बड़े बड़े साइज के बैनर बनाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े साइज के बैनर बनाए जाते हैं। तो प्लूटर्स भी आपका एक तरीके का क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बेसिकली, मुझे लगता है कि ये तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस स्पेशली क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। कल भी मैंने बताया था कि स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, कल हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था सीपीयू का, उसके बाद कंप्यूटर का भी कंपोनेंट्स पढ़ा था। अभी ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, उस टाइप की डिवाइसेस जो डेटा स्टोर करती हैं। और मैं अभी शुरू में आपको बताया कि डेटा किसे कहते हैं, हमारे नजर में जो फोटो है, हमारे नजर में जो कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारे नजर में जो इमेज है, हमारे नजर में जो कह सकते हो आपकी
पिक्चर्स हैं हमारे नजर में, जो मूवीज हैं हमारे नजर में, जो वीडियो हैं हमारे नजर में, जो व्हाट्सएप वीडियोस हैं, वो कंप्यूटर के नजर में वो सारी चीजें क्या हैं? तो कंप्यूटर के नजर में उसको कहा जाता है डेटा। कंप्यूटर के नजर में उसको क्या कहा जाता है? श्योरली उन सबको कहा जाता है डेटा। किसी का मैसेज आ रहा है, बुसरा आवाज नहीं आ रही है, बुसरा आप कनेक्ट कर लो, ट्राई करो, हो जाएगा, आवाज आएगा। नीचे आइकॉन दिया होगा, वहां से देख लो। लाइव क्लासेस चल रही है, आप अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे कुछ दिन बाद वीडियोस देखेंगे तो ये लाइव क्लासेस के पोर्शंस की वीडियोस आपको मिलेंगे। अब आगे के पता नहीं, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली होता है क्या? स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं उसको हम ये कहते हैं कि भाई डेटा को स्टोर करने के काम आता है। और डेटा मैंने आपको समझा दिया, तो डेटा ना कंप्यूटर में पहले से और अभी तक बहुत सारे अलग अलग मीडियम आए थे डेटा को स्टोर करने का, बहुत ही ज्यादा अलग अलग मीडियम आए थे डेटा को स्टोर करने का। तो स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, SSD आया है वो भी, CD रोम, DVD रोम, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस के तरीके से काम होती है। अभी भी कुछ लोग ऑनलाइन आके एडमिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, वेलकम आप सबका इस चैनल में। सो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? यूज करता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब स्टोरेज डिवाइसेस का स्पेशली काम क्या होता है? आप बताओ कि आप मोबाइल में फोटो या वीडियो या मूवी रखते हो तो सिर्फ रखते तो हो नहीं, वहां से उसको डिलीट भी कर देते हो। तो स्टोरेज डिवाइसेस दोनों काम करने के काम आता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन रख भी सकते हैं, वहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो वहां पे हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे, ठीक है, और वहां पे हम बात करेंगे CD रोम्स की, DVD रोम्स की, RWD और CRW, कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हार्ड डिस्क क्या होते हैं? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है, अंदर लगी होती है, ठीक है, जिसका स्पेस कितना होता है भाई? वो 100 GB का आता है, वो 212 GB का आता है, 512 GB का आता है, 250 GB का आता है, 1024 GB का आता है, इतने बड़े बड़े GB के आते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं, वो हार्ड डिस्क होते हैं जिसमें आप कंप्यूटर की सारी फाइल्स उसमें रखते हो, ठीक है। सीडी रोम क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने समय में, जब आपके यहाँ किसी की शादी वगैरह हुई होगी पुराने समय में, तो उनका जो कॉन्सेप्ट आया होगा ना, इसमें आया होगा, ठीक है, इसमें सीडी रोम में, इतनी बात समझ में आ गई, सीडी रोम। और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का बता दूं तो रीड ओनली मेमोरी। सीडी में जो चीज एक बार फीड हो जाती है वही रहती है। अगर आपने पहले बचपन में गाने सुने होंगे ना कैसेट से, तो उसमें आप दूसरा गाना नहीं फील कर सकते थे। मेमोरी में क्या होता है कि आप दूसरा गाना फील करते हो, पुराना गाना डिलीट करते हो, तो वो रैम होता है, रैम टाइम नहीं, वो वोलाटाइल होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड आपको दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क और सीडी रोम तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। आगे का जो स्लाइड है उसमें हम DVD और ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले ना जब मूवीज बनती थी तो मतलब जो CD होती थी वो बहुत ही कम MB की होती थी, लाइक 250 MB, 750 MB की होती थी, ठीक है। उसको GB में कन्वर्ट किया गया DVD लाके। DVD कैसेट्स हैं, आपने देखा होगा कि पिछले समय में, मुझे याद है कि DVD कैसेट्स आते थे जिसमें एक कैसेट में 5 मूवी हुआ करती थी, और वही अगर CD में मूवी लेने जाते थे तो 2 CD में 1 मूवी हुआ करती थी, 2 CD Part 1 Part 2 मिला के 1 मूवी बनती थी। और वही DVD में क्या होता था, एक ही DVD का कैसेट रहता था, और वो क्या करता था, वो 5 मूवी कलेक्ट करके दिखाता था, ठीक है। तो DVD का जो स्पेस होता था वो 4.7 GB होता था, 4.7 GB का स्पेस होता था। अगर हम वही ब्लूरे डिस्क की बात करते हैं, ब्लूरे डिस्क क्या करता है, ठीक है, ब्लूरे डिस्क कैसे होता है, तो अभी हमने पढ़ा सीडी, फिर पढ़ा डीवीडी, और उसके पहले देखा था हार्ड डिस्क। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, ब्लूरे डिस्क का। ब्लूरे डिस्क मतलब क्या, कि ये भी एक तरीके का सीडी ही था, सीडी भी एक तरीके की सीडी थी, डीवीडी भी उसी साइज का आया, ब्लूरे डिस्क भी उसी साइज का आया। फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा सर स्पेस का। सीडी में स्पेस 250-260 MB तक होता था, ठीक है, डीवीडी में स्पेस उसको जीबी में कन्वर्ट कर दिया गया, 4.7 GB कर दिया गया। और ब्लूरे डिस्क में क्या होता है, 25 GB तक का स्पेस होता है, 25 GB तक का स्पेस होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CCC, 25 GB तक का स्टोरेज होता है। तो आपको DVD समझ में आ गया, आपको ब्लूरे डिस्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं और जहां देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कि फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक्स क्या होती है, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक क्या होती है, ये सब ना वो पोर्शंस कह सकते हो कि आपके हार्ड डिस्क की है, सॉरी हार्ड डिस्क कह रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव इस समय लेके घूम रहे हो आप लोग, वो फ्लैश ड्राइव है, उसको शुरू में फ्लैश कहा जाता था, ठीक है। मेमोरी स्टिक क्या, आप अब तो बहुत मेमोरी आ रही मोबाइलों में, 128 GB, 60 GB, इस तरीके से करके इनबिल्ट मेमोरीज आ रही है, तो हमें मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट फिर भी आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा ये वाला, इसकी अगर हम बात करते हैं
या ये वाला, इस टाइप के आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, फिर इस टाइप का मेमोरी कार्ड कैमरा में लगता है, और इस टाइप का मेमोरी कार्ड डीवीडीज आती थी उसमें लगता था, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे की चीजों को रिवाइंड कराता हूं और समझाता हूं कुछ नई चीजों को। अभी आपको मैंने बताया सीडी होता है, क्या होता है सीडी, मैं थोड़ा सा ये दूसरा ले लूं, सीडी होता है ठीक है। अब सीडी ना दो तरीके के होते थे, डब्ल्यू सीडी डब्ल्यू और सीडी आर डब्ल्यू, सीडी डब्ल्यू और सीडी आर डब्ल्यू। राइटिंग अच्छी नहीं चल रही, मैं पेन नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं माउस यूज कर रहा हूँ। सीडी की बात करें तो सीडी क्या होता था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में दो तरीके के सीडीज बनते थे, राइटेबल और रीराइटेबल। राइटेबल और रीराइटेबल में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता दूं। राइटेबल सीडी ये होती है कि अगर आपने एक बार उसको राइट कर दिया, आपने उसको एक बार कुछ उसमें डाल के फीड कर दिया, मतलब उसमें कुछ रख दिया, वो दोबारा उसमें से डिलीट नहीं हो सकता, और आप दूसरी वीडियोस उसमें नहीं डाल सकते, दूसरे गाने उसमें नहीं डाल सकते। सपोज करो आपके पास सीडी है, सीडी का स्पेस कितना, तो बहुत सर तो 750 MB, ठीक है। सीडी में आपने मूवी डाला, कोई गाने डाले आपने, आपने गाना बजाया बजाया बजाया, और फिर मन किया कि नहीं अब इस गाने को डिलीट करो, दूसरा गाना इसमें भर दो, तो राइटेबल होगा तो वो गाना दोबारा फिल नहीं कर सकते आप, उसके अंदर फीड नहीं कर सकते। रीराइटेबल होगा तो आप दोबारा फीड कर सकते, ठीक है। तो सीडी भी दो तरीके की आती थी, राइटेबल और रीराइटेबल, मीनिंग समझ में आ गया होगा। डीवीडी भी दो तरीके की आती थी, राइटेबल और रीराइटेबल डीवीडी, और ब्लू रे डिस्क भी दो तरीके की आती है, राइटेबल और रीराइटेबल। तो अगर आपसे पूछे कोई कि राइटेबल और रीराइटेबल क्या होता है, आप सीडी लोगे ना तो उसमें आर लिखा होगा और कहीं कहीं डब्ल्यू आर लिखा होगा, तो कहीं डब्ल्यू लिखा होगा कहीं आर डब्ल्यू लिखा होगा, उल्टा मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू लिखा होगा आर डब्ल्यू लिखा होगा। तो डब्ल्यू मीन्स क्या होगा कि भाई उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते एक बार फीड हो गया तो, ठीक है। आर डब्ल्यू मतलब क्या होता है, रीराइटेबल मतलब होता है वहां पे चेंजेस कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वहां पे चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, राइट। उसी तरीके से डीवीडी होता है डब्ल्यू और आर डब्ल्यू, राइटेबल और रीराइटेबल। ब्लू रे डिस्क भी होता है राइटेबल और रीराइटेबल, ठीक है। उसके बाद आ गए ना आपके मार्केट में पेन ड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, जो 1 GB से लेके अनलिमिटेड जा रहा है इस समय, कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में कभी बिल्ड करिएगा, मेमोरी में पढ़ा रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा दिमाग में आ गया ये क्वेश्चन, कि जो मेमोरी कार्ड होती है वो 0.5 GB या 1 GB से स्टार्ट होती है, 1 GB की होती है, 2 GB की होती है, 4 GB की होती है, 8 GB की होती है, 16 की होती है, 32 की होती है, 64 की होती है, 128 की होती है, 256 की होती है, 512 की होती है, 1024 की होती है, 2048 की होती है, 4096 की होती है, इस तरीके से जाता है। आपने कभी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आपने ऐसे नहीं दिखा होगा कि 3 GB का मेमोरी कार्ड है, 5 GB का मेमोरी कार्ड है, ऐसा क्यों भाई? 5 GB का मेमोरी कार्ड आना चाहिए, 6 GB का मेमोरी कार्ड आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। मेमोरी कार्ड जो होता है वो 0.5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB, कुछ ऐसा ही करके आता है, ठीक है। या इट्स अ इंटरनेट प्रॉब्लम, सो सॉरी फॉर दिस कि इंटरनेट प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो रहा है, किया नहीं जा सकता, हम भी गांव में बैठे हो और आप भी गांव में बैठे हो, और दुनिया में भले 5G आ जाए 6G आ जाए, गांव का कंडीशन काफी खराब चल रहा है, जियो ने आके थोड़ा सा हम लोग को मनोबल बढ़ाया है कि इंटरनेट हम यूज कर पा रहे हैं घर पे बैठ के। ओके, सो मैं तो टॉपिक बता रहा था बेसिकली, अभी होप आप सबको आवाज विजिबल हो, ठीक है। जो अभी भी टॉपिक बता रहा था मैं, जो सारी चीजें टॉपिक मैंने बताया आपको कि ये सारी चीजें हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इफ यू हैव एनी डाउट सो सेंड इट इन द चैट बॉक्स, जहां पे हम उसको सॉल्व कर सकें बेसिकली कोई डाउट हो तो। दूसरी चीज, आप कैसे कर सकते हैं हमारी मदद, देख रहे हैं अगर यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या लाइव क्लासेस में बहुत सारे लोग अटेंड हैं, तो उस तरीके से आप सिर्फ कर सकते हैं हमारी मदद बेसिकली, या समवन चैटिंग में कि क्या दिक्कत हो रही है, सर वॉइस नहीं आ रही है। अंबिका यू हैव सम प्रॉब्लम्स गॉटिंग, मेरे हिसाब से वॉइस जा रही है सबके पास, मैं कुछ कर नहीं सकता ये बेस सेशन में। वैसे एक सेकंड में इनको साइड में आइकॉन होगा, हेडफोन आइकॉन होगा हेडफोन का, ओके।
बेसिकली हाँ, नए बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनको सिखाना पड़ता है हमें बेसिकली। और मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी अभियांत्रिकी कोशिश करी है मेरे साथ जुट के कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में कंप्यूटर जैसा शब्द जो है उसको काफी आगे तक बढ़ाया जाए। सो आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आएंगी बेसिकली कि क्या क्या चीजें हैं। कल हम दोबारा मिलेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली सेशन, कुछ प्रैक्टिकली चीजें जैसे नोटपैड से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने इतनी सारी चीजें समझ ली तो एक बार मैं रिकॉल करता हूँ कि हमने क्या क्या समझा है। फर्स्ट सेशन में हमने सिर्फ ये जाना था कि कंप्यूटर क्लासेस में क्या क्या चलने वाला है। सेकंड सेशन हमने कंप्यूटर को पढ़ा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स स्पेशली क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सीपीयू पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, आउटपुट यूनिट पढ़ा था। और जो थर्ड या कल की सेशन की अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट सेशन थी, अभी सेकंड लास्ट हम लोग जो सेशन थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो सेकंड लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था बेसिकली कि सीपीयू के कितने पार्ट है। तो सीयू, एलयू और एमएमयू, ये तीनों पढ़ा था बेसिकली। सीयू क्या करता है, एमएमयू क्या करता है और एलयू क्या करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरीके से पढ़े थे। तो होप आप सबको काफी अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूँ, आप सबको करता हूँ अनम्यूट और स्टॉप करते हैं यहाँ से शेयरिंग। अनम्यूटिंग 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 पार्टिसिपेंट्स। यस अमृता, अमृता एनी डाउट? नो सर। ओके थैंक यू। आकाश पटेल, आकाश एनी डाउट? ओके हो सकता आकाश तक हमारी आवाज नहीं जा रही हो। आकाश एनी डाउट? ओके श्योर। बुशरा, बुशरा एनी डाउट? तो बेसिकली अगर आपको किस तरीके की डाउट आती है तो सपोर्ट टीम है, 24/7 का सपोर्ट हमारे पास चल रहा है। काफी सारे लोग 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। सो घबराने की दिक्कत नहीं है, आप वहां सपोर्ट टीम से बात करिए। राइट अभिषेक सर, हाउ आर यू? नहीं नहीं ओके। हेलो, हाँ सर, सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने इतने कीमती समय में से मेरे लिए समय निकालने आप अभियांत्रिकी के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। अच्छा एक चीज और सर, आवाज बहुत स्लो होती है आपकी, मुश्किल से सुन पाते हैं, ये बुसरा ने मैसेज किया है। बुसरा, अच्छा साइड में आइकॉन अंबिका को मैंने मैसेज किया, ठीक है। बुसरा आप हेडफोन का इस्तेमाल करो, हेडफोन में जाओ, हेडफोन यूज करो और YouTube पे नहीं जूम में जाना और देखना, वहां से वॉइस तेज कर सकते हैं वहां से। सो आई होप, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप करते हैं सकते हैं हमारी मदद हमारे चैनल्स को आगे बढ़ा के, कुछ लोगों को बता के कि भाई फ्री क्लासेस चल रही हैं और मेरी पूरी सपोर्ट टीम आपके साथ है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो सपोर्ट टीम के साथ संपर्क करिए। सो थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे 2-4 दोस्तों के साथ और 2-4 एक्स्ट्रा लोगों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इससे जुड़ने के लिए।